अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सर आपको थोड़ा गाइड किया जाए हाउ टू ड्राइव ऑन माउंटेन रोड्स, या अभी क्योंकि सॉल्ट रेंज है तो मैंने कहा सबसे अप्रोप्रिएट यही है कि मैं आपको सॉल्ट रेंज पे बताऊं कि गाड़ी किस तरह चलानी है। कि यहाँ भी मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर इरेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं, यहाँ भी काफ़ी तेज़ चलाते हैं, जबकि यहाँ भी आपको नॉर्मल स्पीड पर चलानी चाहिए जो यहाँ की है। तो जी पहली बात की जाए, जब डाउन हिल जा रहे हो ना तो ऑटो मैनुअल गाड़ी में तो यह है कि आप गियर्स कंट्रोल कर लेते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी में जैसे ग्रांडे वगैरह उसमें ये फ़ायदा है कि आप गियर्स शिफ्ट कर लेते हैं। सिविक में बेस्ट है कि आप चुप करें, गाड़ी को एल में डालें, ठीक है। अब मैंने गाड़ी एल में रखी हुई है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ी ना रिस्ट्रिक्ट करी इंजन को। अब आप ये देखिए जैसे मैं ऐसा करूँगा तो गाड़ी फौरन लूज होती है। अब मैं गाड़ी एल में जान के डाल रहा हूँ कि गाड़ी की ऑटो ब्रेकिंग हो। अब मैंने ब्रेक पेडल पे पैर नहीं रखा हुआ, गाड़ी ऑटोमेटिकली हम नीचे जा रहे हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो रही है क्योंकि मैंने गाड़ी एल में डाली हुई। और बाय द वे एल भगाने के लिए नहीं, भगाने के लिए एस होता है। एल इज बेसिकली आप इस पे इंजन स्टॉप कर रहे होते हैं। और चलिए ये तो सॉल्ट रेंज है ना, जैसे आप नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, किसी हिली एरिया में जाते हैं। अब देखें आप थोड़ी सी ओपन रोड आ गया तो मैं गाड़ी को एस में डाल दूंगा, गाड़ी थोड़ी जरा डील आगे करें। अब फिर से थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप आ रही है तो मैं अगेन गाड़ी को मैंने एल में डाल दी, गाड़ी अगेन इंजन ब्रेकिंग कर रही है। तो जी देखें अब ये जो इंस्टेंस है ना इसमें तो ये चले ये थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, मैं ब्रेकिंग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और काइंडली जब आप सॉल्ट रेंज पे हो ना तो आप एक ख्याल करें कि आप मोड़े बहुत ध्यान से, क्योंकि इस तरह कर्व है तो आपको पता नहीं चलता, आपके बड़े खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट आ जाते हैं। और इस टर्न पे तो बहुत ख्याल रखें, ये मैं पूरी मोटरवे का सबसे डेंजरस टर्न है, यहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप ये साइड वॉल देखें पूरी टेढ़ी हुई है, यहाँ से आप बहुत ख्याल से जाया करें। काइंडली आप गाड़ी की जो शीशा है ना ये अप्रोप्रियटली सेट करें, और जब आप लेन चेंज कर रहे हो तो बड़े सही, क्योंकि कर्व्ड है तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आप कर्व में जा रहे हो ना तो आपका वो साइड व्यूइंग पर्सपेक्टिव्स बदल जाते हैं, तो जब वो बदलते हैं तो आपकी नॉर्मल पर्सपेक्टिव से जब चेंज होता है तो आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता है लेन चेंज करते हुए। तो अब देखें थोड़ी स्टीप हिल आएगी तो मैं गाड़ी को नॉर्मल पे करूंगा कि गाड़ी थोड़ी क्रूज होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अब अप हिल आ रही है। और जब मोड़े हो ना तो सडन मोड़ ना काटें, थोड़ा आराम से मोड़ काटें। जब भी आप अप हिल चढ़ रहे हो तो काइंडली एक आप मोमेंटम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी थोड़ी, अब ये देखिएगा ये ट्रक वाले का फ्रंट ओवरहैंग बाहर आ रहा होता है, तो आप देखें डाउन एंड फिर आ रही है, फिर एंड पे गाड़ी शिफ्ट कर दूंगा, गाड़ी ऑटो ब्रेक करती रहे और मैं ब्रेक पे पैर ना रखूं और मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ रोड पर। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सारे मुझे क्रॉस करें, बात यह कि जी अगर आप थोड़ा सा समय का मुजाहरा करें तो आपकी ज़िंदगी भी सुकून में होती है, दूसरों की भी ज़िंदगी सुकून में ही होती है। तो बेस्ट यही है कि आप थोड़ी एहतियात से चला लें, कितना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। एज आई वाज सेइंग कि जब आप हाइट पर चढ़े हो ना तो हाइट पर हमेशा एक थोड़ा, अगर आपकी थोड़ी गाड़ी का इंजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, कोशिश करें कि पीछे से मोमेंटम लें कि चढ़ें और उस मोमेंटम को ना तोड़ें, क्योंकि अगर एक बार मोमेंटम टूट गया ना तो बस फिर आपको पता क्या होगा, फिर जब मोमेंटम टूटेगा तो जाहिर बात है गाड़ी का स्टॉल होने का काफ़ी मसला होता है। अब ये देखिए ये बंदा ठीक ठाक तेज आ रहा है। जब आप सॉल्ट रेंज में जा रहे हो तो काइंडली कोशिश करें कि सिंगल लेन में रहें, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मिरर विजिबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ऑल्दो सिविक के मिरर्स बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्टस में जा रहा हूँ, वो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ग्रांडे के भी ठीक होते हैं, ग्रांडे के भी थोड़े मसले हो सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा हाई स्पीड थोड़ी इंक्लाइन चढ़ा था तो मैंने गाड़ी को एल से निकाल के एस में डाल दिया कि गाड़ी थोड़ी लूज हो जाए, ठीक है। तो आपने ना एल में, एल इज बेसिकली डाउन हिल, अब देखिए डाउन हिल आ रहा है तो मैं ऑटोमेटिकली गाड़ी वापस एल में शिफ्ट कर दूंगा। आगे वाले से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कोई पता नहीं अगला वाला जिस बाद में आके यहाँ भी ब्रेक मार दे, और पीछे से भी ज़रा डिस्टेंस देखें। और पीछे काइंडली एक ये भी ध्यान रखें, कुछ लोग की ना यहाँ ब्रेकिंग अप्रोप्रिएटली काम नहीं करती, तो अपनी बचत आप ही हैं तो थोड़ा सा ख्याल करें। और जब आप मोड़े हो ना तो जैसे ये इनर टर्न है ना, यहाँ जब मैं मोड़ूंगा तो कुछ लोग होते हैं बाहर से आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ से कोई बंदा आएगा ना तो वो मेरी गाड़ी के बहुत करीब गुजरेगा, तो अगर कोई ट्रक वाला आ रहा है तो आप स्लो करें कि वो गुजर जाए, और अगर यहाँ कोई नहीं है तो आप थोड़ी सी गाड़ी यहाँ कर लें, मैं बिल्कुल लाइन पर मोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कह रहा था वो लाइन से थोड़े से बाहर हो सकते हैं, और क्योंकि हमारी राइट हैंड ड्राइव है तो राइट हैंड में ये होता है कि आप राइट हैंड को ज़रा प्रायोरिटी देते हैं, तो जब इस तरह हो रहा ना तो आप थोड़ा ज़रा थोड़ी जजमेंट इस्तेमाल करके ना गाड़ी को खुद ही सेफ वे में देख लिया करें। मैनुअल गाड़ी हो तो उसमें तो यह कि आप थर्ड गियर लॉक कर लें, थर्ड गियर लॉक कर लें तो कोई मसला नहीं, बाकी
या सिविक हिस्से में एल में डाल देता हूँ, और जैसे अभी थोड़ी क्लाइन आ रहा है मैंने गाड़ी वापस डी में डाल दिया। देखिएगा कि गाड़ी की इंजन नॉइज कम हो गई है, गाड़ी अब सुकून से जा रही है। आपने नोटिस किया कि फॉरन इंजन नॉइज ऊपर जाते हैं, जरा जूम करिए, देखिए डी में गाड़ी रिलैक्स होती है, और जब मैं एल में करूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली इंजन को होल्ड कर रही होती है पीछे, तो इस तरह फिर मुझे ब्रेक भी नहीं मारनी पड़ती। और सबसे बड़ा फायदा ये, फॉर एग्जांपल यहाँ तो नहीं, नॉर्दर्न एरिया से फिर आपकी ब्रेक्स फेड हो जाती है, तो फिर आपकी ब्रेक पैड्स का इंटरवल आपको जल्दी बदलवाने पड़ेंगे। तो इट्स वाइज के भाई आप अपनी कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी बनाए, जरा जाहिर बात है सबके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी तो नहीं होती ना, तो आप जरा एक मुनासिब तरीके से करें। अब ये देखिए 120 का जोन आ गया, तो मैं वापस गाड़ी डी में डालूंगा और आराम से क्रूज ऑन करेंगे, और क्रूज से फिर मैं स्पीड इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से। तो चले जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू कि सॉल्ट रेंज या हाई माउंटेन एरियाज में गाड़ी किस तरह चलानी चाहिए, और अगर डबल सिंगल रोड हो तो काइंडली ओवरटेक करते हुए बहुत ख्याल करें, क्योंकि कोई पता नहीं होता, क्योंकि माउंटेन्स में ब्लाइंड स्पॉट बहुत आते हैं। तो चले जी, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को भी दबा दें। चलिए, मैं चैप्टर शेयर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।